अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इसी तरह से हम बीच बीच में कॉन्सेप्ट भी देते चले जाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन वाइज हम लिखाते चले जाएंगे। आपको जितना क्वेश्चन हम लिखवा रहे हैं समझ जाइए कि यही आपका सिलेबस है, इससे एक्स्ट्रा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितना हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे उसी में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो 3 क्लास 3 दिन का है, 2 से 5, उसमें आप एक्टिव रहेंगे और पेशेंसली जो हम आपको लिखवाएंगे वो आप लिखेंगे। और आज के लिए थोड़ा सा आप लोगों का एक साथ चाहिए कि आज हमारा जो क्लास होगा वो 2 से 4 तक ही हो पाएगा, क्योंकि उसके बाद हमें काम है। तो ये जो आपका 1 घंटा का जो मिस हो रहा है इसको हम मेकअप करेंगे। कल आपका जो है 3.5 घंटे का क्लास होगा, 2 से 5.5, और फिर उसके बाद का जो क्लास होगा वो 2 से 4.5। आज का जो क्लास होगा वो 2 से 4 तक होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि आपको जितना भी समय मिला हुआ है, ठीक है, उस समय का हम लोग सही सही उपयोग यूटिलाइज करें, ठीक है, है ना। और आपस में जो है कॉपरेशन जरूर होना चाहिए। आपस का जब कॉपरेशन होगा तभी आप हमारी बात को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा आपका? 3 पार्ट होगा, विंडो और MS Word। 3 क्वेश्चन विंडो से रहेगा और 3 क्वेश्चन MS Word से रहेगा, जिसमें कि 2-2 का आंसर आपको लिखना है, 2 विंडो से और 2 MS Word से, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि जो हम आपको लिखवा रहे हैं, जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं, बस समझ जाइए कि वही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इसलिए सीरियसली, हाँ, इसलिए सीरियसली जो है आप कॉपी पेन लेकर के बैठे रहेंगे और हम जैसे जैसे लिखवा रहे हैं उसको आप लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट अ स्क्रीन सेवर इन द विंडोज, सेट अ स्क्रीन सेवर, सेवर लिखिएगा SAVER, सेट अ स्क्रीन सेवर। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ जाइए कि स्क्रीन सेवर होता क्या है। एक्चुअली जब आप कंप्यूटर को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, किसी भी तरह का प्रोसेस नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिक स्क्रीन सेवर जो है एक ऑटोमेटिक एक्सक्यूटेबल प्रोग्राम है जो ऑटोमेटिक एक्सक्यूट करता है। उसका पर्पस है बेसिकली सिक्योरिटी। जैसे आप यदि किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपको अचानक बॉस ने बुला लिया, तो आप यदि सिस्टम को यूं ही छोड़ करके चले जाते हैं तो मे भी हो सकता है कि आपकी कलीग्स, आपके जो कलीग्स हैं वो आपके काम को डिस्टर्ब कर दें। काउच कुछ भी हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि काउच के रूप में यही हो सकता है कि वो आपको डाउन करना चाहते हैं और अपने आप को अप करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बॉस बुलाया है तो तुरंत आपको जाना पड़ेगा। यदि आप सिस्टम बंद करने लगते हैं तो उस केस में टाइम लगेगा। सर म्यूट हो गया सर आपका, म्यूट कर देता है वो। तो सेफ्टी के लिए जो है आप स्क्रीन सेवर यूज करें। तो यदि आपके कंप्यूटर में पासवर्ड रहेगा तो उस केस में एक मिनिमम टाइम 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिक जो है स्क्रीन सेवर का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। यदि आपके कलीग्स
एक मिनट के बाद वो सिस्टम को टच करते हैं, कीबोर्ड माउस कुछ भी टच करते हैं है ना, तो उससे पासवर्ड मांग देगा, और वो पासवर्ड आप तो बताए नहीं है या उनके पास तो है नहीं, तो वो आपके काम को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली पर्पस होता है स्क्रीन सेवर का। तो कहने का सेंस ये है कि आप इतना कॉन्सेप्ट जानिए कि स्क्रीन सेवर इज ए एक्सेक्यूटेबल प्रोग्राम दैट एक्सक्यूट ऑटोमेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड दैट इज मिनिमम 1 मिनट। ठीक है, एंड इट इज यूज्ड फॉर सेफ्टी, जिसका यूज जो है सेफ्टी के लिए है, सिक्योरिटी के लिए है। ठीक है, तो आपको जो है जो अभी हमने आपको समझाया, इंग्लिश में भी समझाया, हिंदी में भी समझाया, ठीक है, तो आपको बस कॉन्सेप्ट जानना है। वहाँ पर आपको पूछा भी गया कि व्हाट इज अ स्क्रीन सेवर, तो आप जो है हिंदी में बोल सकते हैं, वो जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में बोलें, आप हिंदी में आराम से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको जो स्टेप हम दिखा रहे हैं वो इंग्लिश में दिखा रहे हैं। बाय द वे, यदि आपको इंग्लिश में लिखने में दिक्कत है तो आप इस चीज़ को समझिए और हिंदी में भी आप उस चीज़ को लिख सकते हैं या मिक्स करके आप लिख सकते हैं। उतना भी यदि नहीं आ रहा है तो आप एरो देख करके भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉपी पर लिखना बिल्कुल मस्ट है, ये आप जान लीजिए। ठीक है, आप इतना भी जान रहे हैं, कॉपी पर यदि नहीं लिखिएगा तो आपको मार्किंग नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपका ब्लैंक है, कॉपी आपका ब्लैंक है। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टेप्स लिखेंगे, स्क्रीन सेवर का स्टेप्स। ठीक है, क्वेश्चन हमने दिखाया सेट स्क्रीन सेवर ऑफ विंडो इन विंडो। ठीक है, देखिए स्टेप वन, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, स्टेप टू, स्टेप टू, क्लिक ऑन पर्सनलाइज, क्लिक ऑन पर्सनलाइज, स्टेप थ्री, क्लिक ऑन स्क्रीन सेवर क्लिक ऑन स्क्रीन सेवर और इट इज सर्च बाय स्क्रीन सेवर, इट इज सर्च बाय स्क्रीन सेवर, यानी आपको स्क्रीन सेवर में जाना होगा, या तो आप सर्च कर लें या डायरेक्ट आपको दिख रहा है तो स्क्रीन सेवर पर क्लिक कर लें। नेक्स्ट एक बार हम स्किप किए तो सॉर्ट बाय सर, कुछ लोग लॉबी में वेट कर रहे हैं सर, उन लोगों को एक्सेप्ट कर लीजिए, बहुत कोई लोग ज्वाइन नहीं हो पाए हैं अभी तक, लोग ज्वाइन ही कर रहे हैं, 300 से ज्यादा पहुंच गया है, 300 ज्वाइनिंग नहीं है सर, 166 लोग लॉबी में है, 160 लोग के आसपास ऐड है, बाकी लोग वेटिंग दिखा रहे हैं, उन लोग को मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप में कि हम लोग को ज्वाइन करवाइए। जी सर,
खराब होने लगा है और एक्सेप्ट कर लीजिए सभी लोग का। एक्सेप्ट ही कर रहे हैं जी। हेलो। हाँ प्रकाश बनवाल सब ज्वाइन हो रहा है, सर स्टेप थ्री क्या बोले थे थोड़ा सा एक बार रिपीट कीजिएगा। बोल रहे हैं पहले ज्वाइन तो करवा ले लोग। एक्सक्यूज मी सर, सर हम लोग का अभी ज्वाइन हुआ है, आप जितने भी स्टेप्स बताए हम लोग को कुछ नहीं पता है। कोई बात नहीं, आवाज आ रहा है तो आप लोगों को व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा आप लोगों को जो भी लिखा गया है छूटा है चैट में जाकर देख लीजिए। सर आप अपने साइड से सबको म्यूट कर दीजिए, फिर आवाज सबकी आ रही है कुछ, अब आपका बात समझ में नहीं आएगा फिर। जैसे ये बेटा से भी सर स्टेप्स कोई शो नहीं कर रहा है, आप कहाँ बोल रहे स्टेप्स मिलेगा? सब अपना जो ट्रेन में बैठा हुआ है। देखिए सुनिए 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 सुनिए, स्टेप अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो वो व्हाट्सएप नंबर अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, मैं सारा स्टेप लिखा हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। फिर एक घंटा वीडियो पर आधा घंटा मिल जाएगा। यस सर, नहीं नहीं सर, यस सर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ग्रुप में डालिए नंबर, हम लोग प्रैक्टिकल हम बोलना रहते हैं। सर व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा। सर आप अपना नंबर बता दीजिए। सर आपका माइक म्यूट है, आवाज नहीं। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। सर आपका माइक अनम्यूट मतलब म्यूट है यार। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज आ रहा, पास आवाज नहीं जा रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है जिसके पास आवाज नहीं जा रहा है। इस व्हाट्सएप पे जुड़ना है, व्हाट्सएप नंबर बताइए ना। नहीं सर आपका सर म्यूट में आवाज नहीं आ रहा है। सर म्यूट हो गया है। सर आवाज नहीं आ रही है। सर स्टार्ट कीजिए आप, सर क्लास स्टार्ट कीजिए। सर आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। सर का माइक ही म्यूट है। आवाज कैसे आएगा? सर माइक अनम्यूट कीजिए ना। और मैं खेला होला सुनो ले सब पूछ पता नहीं पूछ रहा बा। सर व्हाट्सएप नंबर बोल दीजिए आप अपना। सर आपका मिस हो गया है। सर आपका म्यूट हो गया। सर व्हाट्सएप नंबर बोलिए ना अपना। सर व्हाट्सएप नंबर बताइए ना सर। कोई कौन दुनिया सर आपका ही माइक म्यूट है इसलिए आवाज नहीं आ रही है।
सर आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कीजिए ना सर। हाँ माइक म्यूट है। कपाट पर बाबा क्यों कर रहे हैं? कौन मास्टर बना रखा है? म्यूट म्यूट नहीं करने वाला है। नहीं आना हम करेंगे क्या? कुछ पता नहीं चल रहा। सर माइक म्यूट है। तो जो कहना चाह रहे हैं वो लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल दिए रहते हैं सर को पता नहीं है म्यूट आपका म्यूट है सर आवाज किसी को सुनाई दे रहा है म्यूट कीजिए सही में सर अजीब है देख नहीं रहे स्क्रीन पे अरे इससे अच्छा तो आप जो भी कहना चाह रहे हैं वो रिकॉर्ड करके आओ जैसे लेक्चर हेलो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या क्लास सर अनम्यूट कीजिए ना माइक म्यूट है सर हेलो जिसको सुनाई दे रहा है प्लीज रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा या लिख के कॉपी व्हाट्सएप नंबर प्लीज कोई बता दीजिए कि सर ऑनलाइन क्लास ले पाने में सक्षम नहीं लग रहे हैं रिकॉर्ड लेक्चर का ध्यान दीजिए प्लीज आप सर वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए रिकॉर्डेड नहीं हो पा रहा ये क्लास क्लास होगा कि नहीं वो भी बताइए सर
मैं जब चल आप चुकाने का सर आप म्यूट हैं म्यूट कीजिए सर क्या क्या सर माइक ऑफ है आपका, आप ऑन कीजिए। मैं अभी स्क्रीन अपना शेयर किया हूँ ताकि इसके माध्यम से आप देखिए, माइक ऑफ है, फुट मुट का टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको कौन ऐसा कंप्यूटर पास है जब आप नहीं समझ पा रहे हैं? आप सर आप कंप्यूटर क्लास ले रहे हैं, माइक ऑन ऑफ नहीं समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं, हेलो भाई वो समझ रहे हैं। आधे घंटे से क्लास इतना अच्छा से चला है कि हम क्या बताएं, आके मतलब सारा चीज गड़बड़ हो गया। घंटे से हम लोग सब लोग इसमें से लेफ्ट हो जाए क्लास में से, अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ क्लास फिर से चलाना है। सर को सजेशन कौन दिया था एक्स्ट्रा लोग को ऐड करने का? अरे इसका वीडियो बनाओ, सुनो ना हेलो, ज्यादा राजनीति मत करो, सब लोग एक बार बाहर जाओ और फिर से रिज्वाइन करो सब। कौन राजनीति दोबारा कोई नहीं ज्वाइन कर रहा है, तब तक उधर से हैंडल नहीं कर रहा है, अप्लाई करेगा तब तक कोई नहीं। नंबर लिखिए ना, स्टाफ सर का नंबर है, फोन करेंगे सर को।